Assalamu alaikum. Good morning, students of class 7. Open your page number 88. On page number 88, today we work on question number 4. First of all, open your algebra copies and maintain your page like this. First, write down complete date here, exercise 7.2, page number 88. As exercise and page number aapko lazmi mention karna hai. Then make a line properly, write down complete question number 4 here and copy your part 1 and 2. स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ गिवन है वो है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको उसको ऐड करना है. लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ऐड किया था पॉलिनोमियल्स को, बट आपके पास वहाँ 2 टाइप्स की पॉलिनोमियल्स गिवन थे, बट यहाँ आपके पास 3 टाइप्स की पॉलिनोमियल गिवन है जिनमें क्या है 3 टर्म्स आपके पास गिवन है. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि एडिशन अलजेब्रा में एडिशन के 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है वर्टिकल मेथड और एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड. तो दोनों तरीके से मेथड, मतलब दोनों तरीके के मेथड से हम इस पर वर्क करेंगे. वर्टिकल मेथड में हम वर्टिकली राइट करेंगे और हॉरिजॉन्टल मेथड में हम उसको हॉरिजॉन्टली राइट करेंगे. ठीक है, इसके अलावा सेकंड चीज़ मैंने आपको ये क्लियर की थी कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो वो लाइक टर्म्स के बीच में होता है, अनलाइक टर्म्स के बीच में जो है वो एडिशन का प्रोसेस नहीं होता है. लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स कहलाते हैं जिनके वेरिएबल और पावर जो है वो बिल्कुल सिमिलर हो, वो लाइक टर्म्स कहलाती है. और अनलाइक टर्म वो टर्म्स होते हैं जिनके वेरिएबल और पावर सिमिलर ना हो. जो अनलाइक टर्म्स होती है उसमें एडिशन का प्रोसेस नहीं किया जाता, जस्ट लाइक टर्म्स में जो है वो एडिशन का प्रोसेस होता है. ओके, सो हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन जो आपके पास गिवन है पॉलिनोमियल, वो क्या गिवन है, 3a प्लस बी प्लस 3c कॉमा 2a माइनस बी प्लस 5c कॉमा 5a प्लस 4b प्लस 2c. ये जो कॉमा आपको सेंटर में दिया हुआ है, तीनों पॉलिनोमियल के सेंटर में 2 कॉमास दिए हुए हैं. ये कॉमा किस साइन को जस्टिफाई करेगा, कॉमा जो है वो एडिशन के साइन को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या राइट किया हुआ है, ऐड द फॉलोइंग. ठीक है, सबसे पहले मैं इसको वर्टिकल मेथड से करके सॉल्व करूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको हॉरिजॉन्टल मेथड पे सॉल्व करके आपको शो करूंगी. ठीक है, वर्टिकल मेथड में हम इसको वर्टिकली राइट करते हैं, मीन सबसे पहले हम फर्स्ट वन पॉलिनोमियल राइट करेंगे 3a प्लस बी प्लस 3c. ओके, नाउ इसके नीचे हम सेकंड वन पॉलिनोमियल राइट करेंगे, लेकिन कैसे लाइक मतलब राइट करेंगे कि लाइक टर्म्स को ही एक साथ राइट करते चले जाएंगे, मींस वो टर्म उसके इसके नीचे वो टर्म आएगी जो इससे बिल्कुल सिमिलर होगी. तो 3a के सिमिलर क्या है, 2a है. देन b के सिमिलर क्या है, माइनस बी है. और c के सिमिलर क्या है, प्लस 5c है. ठीक है, लास्ट वन पॉलिनोमियल को इसके नीचे राइट कर लेंगे 5a प्लस 4b प्लस 2c. जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास 3 पॉलिनोमियल गिवन थी, तो 3 पॉलिनोमियल्स को मैंने वर्टिकल राइट किया है, यानी कि एक के नीचे सेकंड को और सेकंड के नीचे मैंने थर्ड वन को पॉलिनोमियल को राइट किया. नाउ हम ऐड कर लेंगे इसे, लाइक टर्म्स में जो है वो वेरिएबल की पावर्स जो है प्लस नहीं की जाती, जस्ट उसका कोफिशिएंट प्लस होता है, क्योंकि जब हम लाइक टर्म्स को प्लस कर रहे होते हैं तो आंसर भी हमेशा लाइक टर्म में ही चाहिए होता है. तो सिर्फ हम कोफिशिएंट को प्लस कर लेंगे. यहाँ पर तीनों के आगे कोई साइन गिवन नहीं है, तो इट मीन्स क्या कर लेंगे, हम इसको प्लस कर लेंगे. जब कोई साइन गिवन नहीं होती तो इट मीन्स वहाँ प्लस की साइन है. 3 and 2 कितना हो गया, 5 में जब 5 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 10. ए हमारा एज इट इज आ गया. क्लियर है बात. नाउ सेकंड में आपके पास क्या गिवन है, प्लस बी और माइनस बी. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैं आपको क्लियर कर चुकी थी, जब प्लस माइनस माइनस हो जाता है और आपके पास 1b ऊपर गिवन है, 1b नीचे गिवन है, कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, तो इट मींस 1 है. ठीक है, b आपके पास ऊपर गिवन है, b आपके पास नीचे गिवन है, b में से जब आप b को लेस कर दोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 0. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर किया था, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. ठीक है, क्योंकि 0 हम मेंशन नहीं करते, प्लस माइनस माइनस होता है, और अगर हम सिमिलर वैल्यू को सिमिलर वैल्यू के साथ माइनस कर रहे होते तो वहाँ 0 आता है. तो हम 0 को मेंशन नहीं करेंगे, हम उसको इस तरीके से कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, प्लस 4b रह जाएगा, तो हम उसको एज इट इज राइट कर लेंगे. ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक. नाउ लास्ट में आपके पास क्या गिवन है, प्लस 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 गिवन है, तो प्लस कर लेंगे हम. 3 में जब आप 5 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8. 8 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10. सी एज इट इज आ गया और प्लस की साइन राइट करें. क्लियर है बात यहाँ तक. सो जब हमने इसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 10a प्लस 4b प्लस 10c. मेथड वही है जो लास्ट टाइम मैं आपको क्लियर किया था, मैंने जब एडिशन का प्रोसेस करवा रही थी मैं आपको 2 पॉलिनोमियल्स के बीच में, तो मैंने आपको मेथड अच्छे से क्लियर किया था. यहाँ पर भी सेम वही मेथड होगा, बट यहाँ पर जो है आपके पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो साइन का खास ख्याल रखते हुए हम इस पर वर्क करेंगे. ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल मेथड अप्लाई करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर. हॉरिजॉन्टल मेथड में मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास 3 पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या किस में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे, 3 ब्रैकेट्स में. ठीक है, 2a प्लस बी प्लस सी
देन कॉमे की जगह क्या साइन आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, क्योंकि एडिशन की बात की जाएगी वहाँ पर। एट द फॉलोइंग 2a-b प्लस 5c ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन प्लस, क्योंकि सेकेंड कॉमा आपके पास गिवन है वो प्लस में चेंज रहेगा, 5a प्लस 4b प्लस 2c। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन ब्रैकेट तो एज इट इज़ आपका ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा? क्योंकि उसके बाहर ना तो कोई साइन है और ना ही कोई आपके पास वैल्यू वहाँ गिवन है जिससे उसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम उसको एज इट इज़ ओपन कर देंगे, 3a प्लस बी प्लस 3c। नाउ सेकेंड वन ब्रैकेट से पहले आपके पास क्या गिवन है, प्लस की साइन गिवन है। जब प्लस की साइन आपके पास गिवन है, जस्ट साइन गिवन है, तो ये अंदर वाली तमाम साइन के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस टू के साथ जो है वो कोई साइन गिवन है, तो इट मीन्स प्लस की है, प्लस 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 आ जाएगा, प्लस 2a, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सेकेंड वन ब्रैकेट भी इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे। नाउ थर्ड वन ब्रैकेट में भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, प्लस 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 5a प्लस 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 4b प्लस 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 2c। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सो स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अरेंज कर लेंगे किसमें, लाइक टर्म्स में, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स होंगी हम उसको एक साथ राइट कर लेंगे। तो फर्स्ट वन में हमारे पास क्या गिवन है, 3a गिवन है, 3a से सिमिलर कौन सी टर्म है, माइनस प्लस 2a से सिमिलर है, और इसके अलावा प्लस 5a सिमिलर है। वहाँ पर आपके पास 2 लाइक टर्म्स आ रही थी, बट यहाँ पर आपके पास जो पेयर आ रहा है वो 3 लाइक टर्म्स का एक साथ आ रहा है, यानी कि 3 टर्म्स ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, तीनों के वेरिएबल और तीनों की पावर जो है बिल्कुल सिमिलर है। नाउ बात किसकी हो रही है, आप यहाँ पर प्लस बी की, सेकेंड वन टर्म आपके पास जो गिवन है प्लस बी की गिवन है, प्लस बी के साथ सिमिलर क्या है, माइनस बी और प्लस 4b। इसके भी यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स गिवन है, यानी कि 3 अनलाइक टर्म्स हैं बी के अकॉर्डिंग, और लास्ट में आपके पास क्या गिवन है, प्लस 3c, इससे सिमिलर क्या है, प्लस 5c और प्लस 2c। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इनको लाइक टर्म्स में अरेंज कर लिया है, यानी कि जो टर्म जिससे सिमिलर थी मैंने उसको उसके साथ राइट कर लिया, क्योंकि जब तक मैं लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज नहीं करेंगे हम, तो वो ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ हम ऐड कर लेंगे, 3 में 2 को प्लस किया, कोफिशिएंट प्लस होते हैं, वेरिएबल सिमिलर ही रहता है। 3 में 2 को प्लस किया 5, 5 में 5 को प्लस किया कितना हो गया 10, ए हमारा एज इट इज़ आ गया। नाउ प्लस बी एंड माइनस बी, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 1b में से 1b को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या जाएगा, जीरो, जीरो का मेंशन नहीं करेंगे तो हम उसको इस वे में क्रॉस कर देंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास, प्लस 4b। और लास्ट में आपके पास क्या गिवन है, सी का टर्म गिवन है, उनके कोफिशिएंट को प्लस कर लेंगे, 3 में 5 को प्लस किया 8, 8 में 2 को प्लस किया 10, प्लस 10c आ गया, क्योंकि आपके पास प्लस ही गिवन था, तो हमने तीनों कोफिशिएंट को प्लस कर लिया, तो आंसर क्या आ गया, 10a प्लस 4b प्लस 10c। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, चाहे आप वर्टिकल मेथड से करो चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करो, दोनों का आंसर जो है बिल्कुल सिमिलरली ही आएगा। ठीक है, दोनों मेथड ही करेक्ट है, आप अपनी कॉपी में दोनों मेथड ही अप्लाई करेंगे, दोनों मेथड जो है वो एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और प्रैक्टिस में भी दोनों मेथड की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि वर्टिकल मेथड में हम किस वे में सॉल्व करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल मेथड में हम किस वे में सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ पार्ट बी, यानी कि सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, 4x माइनस 5y प्लस 7 कॉमा माइनस 3x प्लस 4y प्लस 6 कॉमा 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 पॉलिनोमल यहाँ गिवन है और 3 टर्म्स के साथ ही गिवन है, यानी कि हर एक पॉलिनोमल के साथ जो है वो 3 टर्म्स गिवन है। सबसे पहले मैं इसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करूंगी और फिर देन मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करूंगी। ओके, फर्स्ट वन पॉलिनोमल को सबसे पहले राइट कर लेंगे, 4x माइनस 5y प्लस 7। सेकेंड पॉलिनोमियल को हम कैसे राइट करेंगे, जो लाइक टर्म्स होगी उसको इसके नीचे राइट करते चले जाएंगे, मीन सिमिलर टर्म्स को उसके नीचे राइट करेंगे। 4x से सिमिलर क्या है, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 6, और लास्ट वाली टर्म को भी, यानी कि लास्ट वाली पॉलिनोमियल को भी हम एज इट इज राइट करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4। जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैंने इसको वर्टिकल मेथड में, यानी कि वर्टिकली जब मैंने इसको राइट किया, तो किस वे में राइट किया, मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ राइट किया है, जो सिमिलर टर्म्स थी उसको एक साथ राइट किया हुआ है। ठीक है, अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 4x है, कोई साइन गिवन नहीं है, तो इट मीन्स प्लस है, प्लस 4x एंड माइनस 4x माइनस 3x, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, 4 में से आप 3 को लेस कर दोगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, और साइन किसकी आनी है, बड़े नंबर की आती है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि प्लस माइनस और माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर की आती है। सो 4 में से जब आप 3 को लेस कर रहे हो तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, 1।
लेकिन किसका वन रह जाएगा, प्लस का वन, क्योंकि फोर के साथ कोई साइन गिवन नहीं है, तो इट मीन्स उसके साथ प्लस है और बड़े नंबर की साइन ही हम नोट डाउन करते हैं। तो प्लस वन एंड प्लस टू, प्लस वन एंड प्लस टू कितना हो गया, प्लस थ्री। तो क्या राइट करेंगे, थ्री एक्स राइट कर देंगे। क्लियर हो रही बात, अगेन रिपीट कर रही हूँ, फोर में से हमने थ्री को लेस कर दिया है क्योंकि थ्री के साथ माइनस की साइन थी, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फोर में से थ्री को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया, वन, ठीक है, प्लस का वन रिमेन रह गया, प्लस का वन एंड प्लस का टू एक्स, प्लस का वन और प्लस का टू हमने जब ऐड कर लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा और एक्स हमारा एज इट इज रह गया। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ सेकंड वन में आपके पास क्या गिवन है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, फाइव में से फोर को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, वन, लेकिन कौन सी साइन के साथ, माइनस की साइन के साथ, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, फाइव, और फाइव के साथ कौन सी साइन गिवन है, माइनस की साइन गिवन है, यानी कि आपके पास फाइव में से जब आपने फोर को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया, माइनस वन रिमेनिंग रह गया। माइनस वन में आप प्लस थ्री कर लीजिए, सो माइनस वन एंड प्लस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, थ्री में से जब आप टू को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या, थ्री में से जब आप वन को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाता है, टू, और वाई हमारा एज इट इज आ गया। और कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी, क्योंकि थ्री जो है वन से बड़ा नंबर है और थ्री के साथ कौन सी साइन गिवन है, प्लस की साइन गिवन है, तो हम प्लस राइट करेंगे। क्लियर है बात, अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लस माइनस का फाइव गिवन था एंड प्लस का फोर, माइनस प्लस माइनस होता है, फाइव में से फोर को लेस किया, रिमेनिंग रह गया वन, साइन बड़े नंबर की नोट डाउन की जाएगी तो माइनस वन रिमेनिंग रह गया, माइनस वन एंड प्लस थ्री, माइनस वन एंड प्लस थ्री, माइनस प्लस माइनस हो गया, थ्री में से जब आप वन को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, टू, माइनस जो है वो वन के साथ था और प्लस जो है वो थ्री के साथ था, बड़े नंबर की साइन आती है हमेशा, तो हमने टू के साथ क्या लगाया है, प्लस लगाया, यानी कि प्लस टू वाई आंसर आ गया। क्लियर है बात। नाउ प्लस सेवन, प्लस सिक्स और प्लस फोर आपके पास रिमेनिंग है, तो तीनों को हम प्लस कर लेंगे, सेवन में सिक्स को प्लस कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाता है, थर्टीन, थर्टीन में जब आप फोर को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेवनटीन, यानी कि प्लस का सेवनटीन एज इट इज आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपका वर्टिकल मेथड। अब हम इसी पॉलीनोमियल को ऐड करेंगे कौन से मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड से। ओके, हॉरिजॉन्टल मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं तीनों पॉलीनोमियल को, 4x माइनस 5y प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में, क्योंकि ये प्लस की साइन को जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पर, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन कॉमा प्लस में चेंज हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में ले लिया, ब्रैकेट में लेने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वन ब्रैकेट हम एज इट इज ओपन कर देंगे क्योंकि उसके बाहर कोई साइन आपके पास गिवन नहीं है, ना ही कोई आपके पास वैल्यू गिवन है। सेकंड वन ब्रैकेट के बाद आपके पास क्या गिवन है, प्लस की साइन गिवन है, तो प्लस की साइन अंदर की तमाम वैल्यू की साइन से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 4y प्लस 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 6। लास्ट जो आपके ब्रैकेट गिवन है उसमें भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, प्लस 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 2x प्लस 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 3y प्लस 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 4। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, लाइक टर्म्स में अरेंज कर लेंगे। ओके, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स होंगे उनके एक साथ राइट कर लेंगे, 4x के साथ सिमिलर कौन सी टर्म है, माइनस 3x, माइनस 3x के साथ सिमिलर कौन सी टर्म आ गई, प्लस 2x, थ्री लाइक टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पर, तीनों टर्म एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, तीनों की वेरिएबल और पावर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए हमने उसको एक साथ राइट किया। नाउ माइनस 5y इसके साथ सिमिलर क्या है, प्लस 4y, और सिमिलर क्या है, प्लस 3y। ठीक है, नाउ लास्ट वन आपके पास क्या गिवन है, प्लस 7 प्लस 6 एंड प्लस 4। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको अरेंज कर लिया है, किसमें मैं अरेंज किया है, मैंने इसको जो है लाइक टर्म्स में अरेंज कर लिया है, यानी कि जो टर्म्स जिसके साथ सिमिलर थी मैंने इसको राइट कर लिया, क्योंकि लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, इसलिए पहले इसको अरेंज करेंगे देन उसके बाद ऐड करेंगे। ओके, फोर के साथ कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, फोर में से जब थ्री को लेस किया रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, वन रह जाएगा। ठीक है, और किसका वन रह जाएगा, प्लस का वन और प्लस का टू, प्लस का वन एंड प्लस का टू कितना हो जाएगा, प्लस का 3x। ओके, नाउ इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, फाइव में से फोर को लेस किया वन, लेकिन माइनस वन आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ आपके पास क्या साइन गिवन है, वन गिवन है, सॉरी माइनस गिवन है, फाइव के साथ कौन सी साइन गिवन है, माइनस गिवन है, प्लस माइनस माइनस होता है, फाइव में से फोर को लेस किया तो रह गया वन, लेकिन माइनस का वन रह जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस गिवन है। ठीक है, माइनस वन एंड प्लस थ्री, माइनस वन और प्लस थ्री को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, वन में से थ्री को लेस किया रिमेनिंग क्या रह जाएगा, टू वाई। ठीक है, और साइन किसकी आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि माइनस वन से बिगेस्ट नंबर क्या है, प्लस थ्री,
तो इसलिए प्लस की साइन को शो करेंगे. ओके, नाउ प्लस 7, प्लस 6 एंड प्लस 4, तीनों को जब प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 17. क्लियर हो गई बात. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैंने इसको दोनों मेथड से सॉल्व किया, इनके तीनों पॉलीनोमियल्स को जब मैंने ऐड कर लिया दोनों मेथड से, वर्टिकल मेथड से भी और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 3x plus 2y plus 17. अगेन रिपीट कर रही हूँ, मेथड आप जो भी अप्लाई करो आंसर आपका बिल्कुल सिमिलरली ही आएगा. कॉपी में बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ, ठीक है. बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और आप दोनों मेथड ही कॉपी में अटेम्प्ट करोगे, वर्टिकल मेथड भी एंड हॉरिजॉन्टल मेथड भी. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास गिवन पार्ट है वो है 1-4 पार्ट हमारे पास है, सॉरी 1-6 पार्ट यहाँ गिवन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट आपके पास यहाँ गिवन है. आज जो हमने वर्क किया है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे वर्क किया है. पार्ट 3 आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क, ठीक है. पार्ट 3 आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क और आप ये अलजेब्रा की कॉपी में ही वर्क अटेम्प्ट करेंगे. और जो पार्ट 3 आप अटेम्प्ट करोगे उसमें भी आप दोनों मेथड इसी वे में ही राइट करोगे जिसमें मैं आपको राइट करके शो कर रही हूँ, वर्टिकल मेथड में भी और हॉरिजॉन्टल मेथड में भी राइट करेंगे. याद रखिएगा और अच्छे से इसका इस चीज़ का ख्याल भी रखिएगा, एडिशन जो है वो हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में होता है, जो सिमिलर टर्म्स होंगी वही ऐड हो सकती हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे होते हैं तो आंसर भी हमेशा हमारा लाइक टर्म्स के लाइक टर्म में ही आता है, उसकी वेरिएबल के साथ जो पावर्स आपके पास गिवन होती हैं वो ऐड नहीं की जाती. क्लियर हो गए बात. सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो. टुडे क्लास इज फिनिश नाउ. थैंक यू.